देखा करो कि मुझे चाहने वाले कितने। अगर तू किसी को चाहता होगा तो जरूर तेरे को चाहने वाले भी असंख्य होंगे, है कि नहीं। भारतीय योग संस्थान का कोई भी अधिकारी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चला जाए, उसको कभी वहां परायापन नहीं लगता। ये मैं अपना निजी अनुभव कहता हूं। हर शहर हर जगह के लोग हमें अपना परिवार लगता है। कहने को सब कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन इसको जीना सीख करके देखो व्यवहार में, तो वास्तव में आप अंदर से गदगद हो जाएंगे। वास्तव में आप अंदर से गदगद। आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आपको पाना है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, उसको मानना, उसकी शक्ति को मानना। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह शोच संतोष सवा शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। पांचों यमों को, पांचों नियमों को अपने जीवन में उतारना, अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेना, स्वाध्याय करना, निष्काम कर्म करना, जीवन में शुभ संकल्प करना, अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेना ही वास्तव में सच्चा अध्यात्म है। इसके दूसरे पक्ष की तरफ प्रवेश करते हैं हल्का सा। जीवन क्या है? अगर हम अपने योग की भाषा में एक वाक्य के अंदर बोलना चाहें, सात धातु अभी बतलाया था, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य, पांच तत्व भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, बहुत सी इनसे बनी हुई प्रणालियां, श्वसन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली, पाचन प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, कोशिकीय प्रणाली, स्नायु प्रणाली, रक्त भ्रमण प्रणाली, प्रतिरोधक प्रणाली, न जाने कितनी प्रणालियां इन सब के साथ मिलकर के काम करती हैं। मन बुद्धि चित आत्मा, इन सब के सुंदर सामंजस्य से मेरा यह मानव जीवन चलता है। अगर कहीं भी इनके बीच में सामंजस्य बिगड़ जाए तो आप सोच लेना हम बीमार होने लग जाएंगे। आयु बढ़ने के कारण, तनाव बनने के कारण, भोजन ठीक ना होने के कारण, निष्क्रिय जीवन जीने के कारण, धीरे धीरे शरीर में शिथिलता आती चली जाती है। और जैसे शिथिलता आएगी तो ये नोट कर लेना कि रोगों का प्रवेश जीवन में या शरीर में आना अवश्यंभावी, उसको रोक नहीं सकते आप। जैसे हम प्रकृति के दूर जाने लगते हैं, फिर उसको आप रोग कहें जो मर्जी कहें, मैं मोटे तौर पर अगर कहूं तो शरीर के भीतर मल का रुकना रोग का दूसरा नाम है। जब डॉक्टर्स के पास जैसे सिम्टम्स लेके जाएंगे, नाम वैसे दे दिया जाएगा। कोई उसको घुटना दर्द कहेगा, कोई उसको कब्ज कहेगा, कोई गैस की प्रॉब्लम कहेगा, कोई बवासीर कह देगा, तो कोई बीपी की शिकायत कह देगा, तो कोई शुगर की बीमारी कह देगा, तो कोई आपको हृदय रोग का नाम दे देगा, और कोई उसको अवसाद का नाम देगा, तो कोई उसको स्ट्रेस का नाम दे देगा। उन्हीं में से एक बीमारी हमारी आती है जिसको बोलते हैं तनाव। अच्छा, आप सब बताओ किस किस को तनाव बनता है? किसी को नहीं, बड़े अच्छे आप। अच्छा, जिसको नहीं बनता वो हाथ खड़ा करो। झूठ। इस धरती पर सच्ची बात बतला रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तनाव बोलो नहीं बनता। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे गैर शादीशुदा हो, चाहे औलाद हो गई हो, चाहे औलाद ना हुई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशे वाला हो। एक महिला मेरे से मिलने के लिए आई, सुबह का वक्त था, और थोड़ी सी देर बात करके बोली, सर मैं जल्दी हुए में जा रही हूं। मैंने कहां जा रहे हो? मैंने स्कूल जा रहा हूं। कौन से स्कूल जा रहे हो? कहते सर ये पूछूं मैं कौन से स्कूल नहीं जा रही हूं। मैंने कहा क्यों? कहते मैं 10 स्कूलों में बच्चे के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर चुकी हूं और 10 में मैंने अभी अप्लाई करना है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने लगे नर्सरी क्लास में एडमिशन दिलाना है। नर्सरी क्लास 20 स्कूल और भाग दौड़ कर रहे हैं और उम्मीद नहीं है कि एडमिशन होगा। कहते सर बहुत टेंशन बनी हुई है, 20 स्कूलों में अप्लाई कर दिया, कहीं एडमिशन उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया, तो क्या बनेगा बोलो?
भाग दौड़ करी, कहीं पर डोनेशन की बात हुई, 5 लाख रुपए डोनेशन मांगा, 5 लाख रुपए की व्यवस्था करना मुश्किल था, तो फिर क्या बनी, बोलो क्या बना, तनाव। 5 लाख रुपए दे दिए, बच्चे का एडमिशन कर दिया, बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पहुंच गया, पीटीएम में गए, पीटीएम के बाद मैडम ने कहा कि आपका बच्चा ठीक से बोलो नहीं चल रहा है, क्या बनेगी, टेंशन। अब बच्चा 10वीं 12वीं बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहा है और मोबाइल पर लगा हुआ है, माँ कहती है बेटा तेरे बोर्ड के पेपर है तू पढ़ ले। माँ मैं बड़ा हो गया, मुझे बार बार शिक्षा मत दिया करो, मुझे पता है कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, हर वक्त का लेक्चर अच्छा नहीं होता। बोलो माँ को क्या बनेगी, बच्चा 12वीं में हो गया, अब CUT की टेंशन, अब CUT क्लियर हो गया, अब एडमिशन चाहिए बढ़िया कॉलेज में, अब बढ़िया कॉलेज में एडमिशन फिर टेंशन, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो गया मान लिया, अब बच्चे को MBA में एडमिशन की टेंशन, MBA में एडमिशन हो गया मान लो वो भी, अब किसकी टेंशन, प्लेसमेंट की, बड़े से बड़ा पैकेज मिले, ऐसा होता है सिंगर मंगल जी, होता है, तो बड़े से बड़ा पैकेज चाहिए, फिर टेंशन, हो गया सैलरी तय हो गई और नौकरी लग गई। अब बच्चे को कहा कि तू शादी कर ले, कहते माँ मेरे करियर का सवाल है, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। माँ बाप सोच रहे हैं कब हाँ करेगा, माँ बाप को क्या बनी है बोलो, टेंशन। अब उसने हाँ कर दी तो लड़की नहीं मिल रही है, क्या बनेगी, चलो अच्छा लड़की मिल गई, शादी हो गई, अब शादी होने के बाद बहू घर में आ गई और माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो हर रोज शाम को डिनर पर एक थाली में अपने बेटे के साथ खाना खाती थी। अब ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, बहू आ चुकी है घर में, बेटा आया ड्राइंग रूम में से निकला और सीधा अपने कमरे में जाकर के रोटी किसके साथ खाएगा बैठ के, बोलो ऊंचा बोलो, और टेंशन किसकी बनेगी, कैसी बीमारी है ये, सबको बनती है, सबको बनती है, कोई कितना भी दावा कर ले, हम कितने बड़े योगी बन जाएं हमें भी बनते। आपको एक तरीका बतलाता हूं, अपने भारतीय योग संस्थान के YouTube चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है योग निद्रा, आपको इसकी एक परीक्षण बता रहा हूं, जैसे लेबोरेटरी में परीक्षण होता है, आप आज जाओ और आप वो लगा लो योग निद्रा का, दो है, एक 10 मिनट का एक 20 मिनट का, आपको कम टाइम है 10 मिनट वाला लगा लेना, नहीं तो 20 मिनट का लगाओ। और जो BP वाले हैं, जिसको रात को नींद नहीं आती, जिनको हार्ट पेशेंट हैं, वो तो जरूर किया करो, इसको लगा करके लेट जाओ, आप बिल्कुल रिलैक्स थे पहले, लेकिन जब आप 10 मिनट का योग निद्रा का अभ्यास करके वापस उठोगे, आज आप पहले से कितने ज्यादा रिलैक्स होंगे, आपका सीधा शरीर और मन बोलेगा, और जो आपको ये साबित करेगा कि आपके शरीर में तनाव है, तनाव को टेस्ट करने का और रिलैक्स करने का तरीके दोनों इकट्ठे एक ही क्रिया में बता दिया आपको। जो व्यक्ति, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं समय को देखते हुए, तनाव बनता कब है, कैसे बनता है, आप अपने ऊपर चिंतन करना, जिसकी अव्यवस्थित दिनचर्या होती है, सोने का टाइम गलत, खाने का टाइम गलत, जागने का टाइम गलत, या बार बार उसके काम में रुकावट आती है, आप किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, बार बार आप उसमें फेल हो जाते हो, या आप नौकरी करते हो, आपका बॉस आपके साथ इनजस्टिस करता है, आपकी प्रमोशन रोक दी, वो क्या बोलते हैं, बाद जो सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट मिलती है, उसमें गड़बड़ हो गई, जो भी मर्जी कह लीजिए आप, इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में भी आजकल दुनिया भर की समस्याएं हैं, तो बार बार जिसकी वजह से टेंशन बनेगी। आजकल एक एकल परिवार प्रणाली शुरू हो गई है समाज के अंदर, तो वो भी एक टेंशन का बड़ा कारण है, और गृहस्थ जीवन में दुनिया भर की समस्याएं हैं जिनको हम जूझते ही रहते हैं। आप योग के दृष्टिकोण से इस बात को ऐसे शॉर्ट में समझो कि तनाव को हम 3 हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं, मांसपेशी तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव। मांसपेशी तनाव कहां रहता है, हमारे शरीर में स्थूल हिस्सों में, जैसे मांसपेशियों में, हड्डियों में, ग्रंथियों में, स्नायु में, तो जहां भी होगा उसी अंग की कार्य क्षमता को वो नीचे ले आएगा। जैसे माना कि आपको टेंशन बनी, आपके ग्रंथियों के काम करने का की जो क्षमता है वो गिरने लग जाएगी। उदाहरण के तौर पर डायबिटिक पेशेंट थोड़ी सी टेंशन बना ले तो उसकी 120 वाली शुगर जब सुबह उठेगा, रात को सोएगा 120 चेक करी, सुबह उठेगा 320 मिलेगी।
अब रात को कौन सा वो बिस्तरा छोड़ करके किसी हलवाई की दुकान पे गया था मीठा खाने, हम कहते हैं मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, तो ये कैसे हुई 320 शुगर? बोलिए, तनाव से। तनाव आपकी ग्रंथियों के श्राव के अनुपात और गुणवत्ता और मात्रा को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से आपको ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर आने लगती हैं। मांसपेशी तनाव से आपकी हड्डियों में होगा तो हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा, मांसपेशी में होगा तो मांसपेशियों का चयापचय बिगड़ जाएगा, आपकी स्नायुओं में होगा तो आपकी याददाश्त शक्ति बिगड़ने लग जाएगी, कमजोर पड़ने लग जाएगी। और इसको ठीक करने का तरीका क्या है, मैं तीन शब्द बोलूंगा समय के अभाव में। शुद्धि क्रिया, जो टॉक्सिन बने आपके तनाव के कारण, जैसे सर्जरी होती है शरीर में से मल को बाहर निकालने के लिए, शुद्धि क्रिया अपने आप में टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी का बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। उस विषय को आज मैं लूंगा नहीं, लेकिन हमारे अधिकारी समय समय पर केंद्रों पर उसको सिखाते रहते हैं। दो अनिवार्य प्रतिदिन की शुद्धि क्रियाएं हैं। अगर आप सच्चे योगी बनना चाहते हो तो आप सिर्फ आसन और प्राणायाम को अपने जीवन में हिस्सा मत मानो, वो तो एक बहुत छोटी क्रिया है। सबसे पहले आप शुद्धि क्रियाओं को जीवन में उतारो, और दूसरे नंबर पर भोजन। आप योग की बात करते हैं, खाना रात को 10:30 बजे खाते हैं, आप कभी भी गलती से भी किसी के सामने ये मत क्या कहो कि मैं योग करता हूं, केंद्र पे आते रहना, केंद्र पे आने से मना नहीं है, लेकिन योग करता हूं तब कहना जब सायंकालीन भोजन आप गोद